Of question answers and exercises, and just I discussed the poem, and I just have told you the summary of the poem. Now this is the part of the question answers. The haunted houses, haunted houses is W. Longfellow, of class eight, unit three, unit six. Sorry, unit six, section three. And this is in your new pathways class eight Oxford University Press. Now the exercises part, students. This is the time of the annual examination. You will write the question answers in your notebook so that it will be the asset for you. Okay, students. Now in this period, the online classes are going on, and just this is the time of the examination. The question answer part is very much important. You will write down the question answers MCQ. Okay, there are the answers. You can pause the video and you can write. Okay, students, ये आपके लिए बहुत important है। आप वीडियो को pause करके इसको लिख सकते हो। जरूर लिखोगे ताकि आपको एग्जाम्स में ये beneficial होगा। एंड यू वि ट्राई टू रेक्टिफाई द आंसर्स एंड यू राइट इन योर ओन वर्ड्स यू कैन टेक द हेल्प फ्राम माई एंसर्स इससे आप हेल्प लेना और कोशिश करना इसमें से जो क्वेश्चन एंसर्स पार्ट है उसको अपने वर्ड्स में भी लिखना इन दिस पाएम देर आर सो मैनी लिटरेरी डिवाइसेस पोइटिक डिवाइसेस फिगर ऑफ स्पीच एक ही बात होता है अलग अलग नाम से जाना जाता है जैसे कि असिमिली मेटाफोर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस पॉइम में है जो दिया गया है आप देख सकते हो मेटाफोर देन विजुअल इमेजरी एंड विजुअल इमेजिनेसन और देयर मतलब जो हम लोग कल्पना करके लिखते हैं पोम में क्या है मूनलाइट के बारे में आप मैंने बताया पोएम में सिम्बोलिज्म सिम्बोलाइज करके लिखा जाता है ओके जैसे द बॉडी सिम्बोलाइज्ड एज ए जार मैंने कहा है जार की तरह कॉन्टेनर की तरह जहाँ बहुत सारा दुख बहुत सारा दर्द हम लोग इस जीवन रूपी जार में भर कर रखते हैं ओके okay. जो सभी दुखों का कारण है ओके okay, स्टूडेंट्स इसके साथ ए पोएम जो चैप्टर है ए द एंड हो जाता है आप ज़रूर बने रहिए और मेरे साथ इस चैनल में ताकि आपको आगे चल के इंग्लिश के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको हेल्प कर सकूं ओके स्टूडेंट्स गुड बाय